आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ऑनलाइन में अपना इलेक्ट्रिक बिल हम कैसे उसका डिटेल जान सकते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं। तो हमारा जो स्टेट पड़ता है उड़ीसा है। तो अभी हम चलिए टाइप करते हैं डिस्कॉम। देखिए ऊपर ऊपर उड़ीसा डिस्कॉम आ गया, यही जो है ऑफिशियल साइट है। क्लिक करते हैं, अभी देखिए ये खुल गया है। यहाँ से हम कैसे हम जा सकेंगे अपना इलेक्ट्रिक बिल का डिटेल देखने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है बिल ऑनलाइन, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है। देखिए पहले जो है कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नंबर डाल के अपना डिटेल देख पाएंगे। इसको फिलअप करके व्यू में क्लिक करेंगे तो हमारा नाम का डिटेल आ जाएगा। और एक ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आपको नंबर नहीं मालूम, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं और उसके बाद कंपनी। तो इसे हमारा वेस्को है और यहाँ अपना नाम डाल के यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल उस नाम के जितने भी हैं वेस्को में वो सब दिखाएगा। और उसके बाद कौन सा गांव है उसका साइड में लिखा रहेगा, तो आप अपना गांव का अपना जो नाम और अकाउंट नंबर गांव देख लेंगे। क्लिक करेंगे तो उसमें आपका डिटेल आ जाएगा। तो अभी हमारे पास एक नंबर है, उसको हम डालते हैं। तो हमने पूरा नंबर को एंटर कर लिया है। अब हम व्यू और पे, देखिए इसमें व्यू और पे आ रहा है, तो आप व्यू कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, ये खुल रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा है ओडिशा डिस्कॉम से द बिल ऑफ करंट मंथ इज ऑलरेडी पेड। तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप में आ जा रहा है कि आप इस महीने का बिल पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखिए इसमें डिटेल क्या क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो इस महीना का बिल लिखा है 526, तो हमने इसको पेड कर दिया है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर पेड कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट क्लिक करेंगे, देखिए हमारा बैलेंस एरियर आ रहा है 16,000 और इस महीना का जो बिल है 526। तो हम चाहें तो 526 मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं या फिर एरियर को मिला के हम उससे ज्यादा भी जितना भी अमाउंट जो है यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए यहाँ काफी सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। देखिए जो डिफॉल्ट आ रहा है, सबसे पहले देखिए कंज्यूमर नंबर दिया है, ये आपका कंज्यूमर नंबर है। नाम दिया है नाम का बॉक्स में, स्टेटस दिया है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर है या आपका कट हो गया है, डिस्कनेक्टेड है, जो भी है। एड्रेस दिया है और एड्रेस 2 है, एड्रेस 3 है। कैटेगरी दिया है, लोड दिया है आपका कितना किलोवाट लोड है। ओल्ड अकाउंट दिया है, तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2002 का बिल, दिसंबर का बिल। अब यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, पुराना बिल देखिए नीचे नीचे और जाएंगे, और भी आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो पहला लाइन में देखिए बिल है, कौन सा मंथ का बिल है, फिर एरियर अमाउंट कितना अभी आपको देना है, करंट बिल इस महीना में कितना कितना आपका बिल आया है, रिबेट मान लीजिए आप ड्यू डेट से पहले देते हैं तो करंट बिल में आपको कितना रिबेट मिल रहा है, रिबेट होने के बाद आपका कितना बचा है अमाउंट देने के लिए एरियर जो मिला के। उसके बाद रिबेट डेट दिया है, आप कौन सा डेट के अंदर देंगे तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, और नेट अमाउंट आफ्टर रिबेट डेट, तो रिबेट डेट के बाद आपको कितना देना पड़ेगा, और इधर दिया है ड्यू डेट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये नेक्स्ट बॉक्स है रीडिंग डिटेल, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए पूरा आ गया है, पहले बिल मंथ है कौन सा महीना का, फिर मीटर नंबर है, मीटर टाइप है कैसा वाला मीटर है आपके पास, करंट रीडिंग है, और ये एम एफ ये कुछ है, और स्टेटस है यू। तो आप इसको देखिए एक बार, इसमें बीच में एल भी है, मान लीजिए मीटर रीडिंग लेने आए होंगे तो दुकान बंद होगा या घर बंद होगा, तो यहाँ पर देखिए एल दिया गया, लॉक है। और उसके बाद है पेमेंट डिटेल, क्लिक करते हैं हम, पेमेंट डिटेल खुल गया है। तो यहाँ पर हम कब कितना पेमेंट दिए हैं तो सारा उसका डिटेल मिलेगा। मान लीजिए आप पेमेंट दिए हैं लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो कुछ भी गलती हुआ है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन में चेक करेंगे तो आपके पास जितना भी रसीद है उसको मिला के देख सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सॉन्ड्री डिटेल्स, देखिए सॉन्ड्री डिटेल्स खुल गया है। तो सॉन्ड्री डिटेल्स में क्या आता है, मान लीजिए किसी का कुछ उनको पेनल्टी लगा हुआ है तो जो भी अमाउंट डिस्प्यूट है यहाँ सॉन्ड्री डिटेल्स में आता है। उसके बाद और एक बॉक्स है कैंसलेशन डिटेल्स, कैंसिल हो गया है, काट दिए हैं इलेक्ट्रिक, तो उसका डिटेल्स इसमें आएगा। बस आज के लिए इतना ही है, आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।